ममता बनर्जी आज कह रही हैं कि कल जिस तरह से ये बीजेपी की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है, यहाँ पे बाहर से लोगों को, बाहरी लोगों को लाया गया है, इसमें बम वगैरह भी लाया गया है और पुलिस के ऊपर निस्संहार प्रहार किया गया है बीजेपी के कर्मियों के ऊपर, अगर पुलिस चाहती तो उनके ऊपर गोली भी चला सकती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का जो आरोप है सरासर झूठा आरोप है। तृणमूल कांग्रेस कुछ लोगों को हमारे खिलाफ यहाँ पे हमारे अंदर घुसा के उनसे ही वायलेंस कराया गया और पुलिस पूरी तरीके से प्रोवोक कर रही थी, प्रोएक्टिव थी। और हमारा एक ही क्वेश्चन है कि जब बीजेपी का एक राष्ट्रवादी शक्ति पार्टी जब आंदोलन कर रही है उस समय पुलिस इतना प्रोएक्टिव है और प्रोएक्टिव थी कल, और कल नहीं से 12 तारीख से प्रोएक्टिव थी, लेकिन 9 जून को हमारा नुपुर शर्मा के केस को लेकर पश्चिम बंगाल में अंकुरहाटी में 11 घंटे का रास्ते को नेशनल हाईवे को रोका गया, लाखों गाड़ियां कतार में रह गई, हमारे पार्टी ऑफिस को जला दिया गया, उस समय पुलिस का ये प्रोएक्टिवनेस कहा था? ट्रेन जला दिया, पूरी घटना घटी जब सीए लागू हो रहा था, मतलब सीए जब पास हो रहा था पूरे पश्चिम बंगाल जल रहा था, उस समय पश्चिम बंगाल के पुलिस को लखवा का क्यों मार जाता है? और एक राष्ट्रवादी शक्ति जब जनता की मांग लेकर जब आंदोलन कर रही है उस समय पश्चिम बंगाल की पुलिस इतना प्रोएक्टिव क्यों हो जाती है? वो कह रहे हैं कि आप लोग तो जिस तरह से कल ये घटना घटी है, पुलिस बहुत अच्छा अपना काम निभाई है, रोल निभाई है, वो चाहते तो गोली चला, हमने दिखाया ना पुलिस ने क्या किया, पत्थर फेंकने से शुरू करके 13 तारीख आंदोलन है, 12 तारीख रेल स्टेशन में घुस के लोगों को रोका गया। आप बताइए ना कौन सा लॉ के द्वारा ये आप कर सकते हैं? स्टेशन के अंदर, स्टेशन प्रेमिसेस आर अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ रेलवे पुलिस RPF, तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल की पुलिस कैसे घुस सकती है विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन? अभिषेक, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हम जेल भरने के लिए तैयार है। पूजा के बाद बीजेपी जेल भरो, हर जिले में जेल भरो आंदोलन की आगाज करेगी और पूरे सारे जेलों को हम भर लेंगे।